माँ मैं सोने जा रहा हूँ, यहाँ सब ठीक है, मैं आराम कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करना। ये आखिरी बातचीत थी शहीद दीपक सिंह की अपनी माँ से। अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आखिरी बार अपनी माँ से वीडियो कॉल पर ये सब कहा था। उनकी माँ अपने बेटे के लिए परेशान ना हो, इसलिए वो वीडियो कॉल पर अपनी वर्दी की शर्ट उतार कर अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। वो अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो सोने का बहाना कर रहे थे। लेकिन इनके पिता जो पुलिस से रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने वीडियो कॉल पर अपने बेटे के जूते देख लिए थे। वो समझ गए थे कि उनका बेटा जो है वो बहाना कर रहा है, वो इस वक्त ड्यूटी पर है। दीपक सिंह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। दीपक की और दो बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। कैसा इत्तेफाक है ये, जहां एक तरफ पूरा भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा था, तो वहीं दूसरी ही तरफ उत्तराखंड का एक बहादुर जवान तिरंगे में लिपटकर अपने घर आया था। दीपक सिंह 48 राष्ट्रीय राइफल्स के युवा कैप्टन थे। महज 25 साल की उम्र में ही इन्होंने सेना में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया था। लेकिन अफसोस, बीते 14 अगस्त को दीपक सिंह जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में शहीद हो गए। आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में दीपक को गोली लगी थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान ही उन्होंने अंतिम सांस ली। जिसके बाद 15 अगस्त को देहरादून उनके आवास पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, जिसके बाद पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं अब दीपक सिंह अपना घर बसाने जा रहे थे। इनकी माँ इनके लिए दुल्हन ढूंढ रही थी, लेकिन अफसोस, घर वालों के सारे सपने एक आतंकी मुठभेड़ में चूर चूर हो गए। अफसोस, रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले ही दो बहनों ने अपना जवान भाई खो दिया। शहीद दीपक सिंह अपने पीछे अपने माँ बाप और दो बहनों को छोड़कर चले गए। वहीं ईश्वर इनके परिवार वालों को ये दुख सहने की शक्ति दे। हमारी और पूरे देश की संवेदनाएं इनके परिवार वालों के साथ हैं, और साथ ही इस वीर बहादुर को हमारा सलाम।